नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आपका मोटिवेशनल कौन है? अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा जो मोटिवेशनल है वो कौन है। तो आपका कितने सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं काफी दिनों से बोल रहा था कि अपना चैनल पर एक Q&A लाऊंगा, और दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज फाइनली चैनल पर एक Q&A वीडियो ले आया हूँ आप लोग के। इसमें आप लोग का पूछे गए सवाल का मैं आंसर दूंगा। और तो आज की इस वीडियो का अगर आप लोग को वॉइस थोड़ा सा ठीक नहीं लगे तो पर भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यार थोड़ा सा मेरा जो तबीयत है थोड़ा सा ख़राब है, मेरा सर्दी हो गया इसलिए थोड़ा सा ख़राब आ रहा, थोड़ा सा इग्नोर करना और वीडियो को पूरा देख के ही जाना। तो चलिए दोस्तों, मेरा किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं Q&A आज के इस Q&A वीडियो को। दोस्तों सबसे जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है वो आया है टेक्निकल मैक्स प्रेस की और से, ठीक है। ये मैंने इंस्टाग्राम से पिक किया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं आप इतना क्यूट कैसे हो, आपका एज। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं इतना क्यूट कैसे हूँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा एज की बात करें तो वो है 14 ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मिस्टर आर्यन 020 की ओर, इंस्टाग्राम से मैंने पिक किया क्वेश्चन को। तो ये पूछ रहे यूट्यूब कब स्टार्ट किए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने यूट्यूब बहुत दिनों पहले स्टार्ट किया था। इसके अलावा मेरा और एक चैनल है जिस पे मैं अभी काम करना छोड़ दिया हूँ, लेकिन इस चैनल पर अभी रेगुलर वीडियो आ रहा है जैसे कि आप लोगों को पता होगा। और इस चैनल का जो सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था मैंने वो किया था 19 जून 2020 को, मैंने सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था इस चैनल पर। अगर लोगों ने अभी तक सबसे पहला वीडियो इस चैनल का नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजय मोदक की ओर से आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है शॉर्ट वीडियो बनाकर सब्सक्राइबर लेकर अगर बाद में ब्लॉग बनाऊँ तो क्या चैनल मोनेटाइज होगा, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो पिक कर ही लिया हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग की शॉर्ट चैनल को, यानी अगर आप लोग उस चैनल पर शॉर्ट किसी भी चैनल पर अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो और बाद में उसका कैटेगरी को चेंज करके अगर आप लोग ब्लॉग चैनल कर देते हो उसको, ठीक है, और ब्लॉग अपलोड करना शुरू कर देते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टैग अरफाज मेहरा की ओर से आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि, तो यहाँ पे बोल रहा है वीडियो एडिट किससे करते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अपना जो वीडियो एडिट करता हूँ वो करता हूँ पावर डायरेक्टर से। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है A to Z टेक्निकल किंग ने। तो यहाँ पे बोल रहा है भाई वीडियो अच्छा बनाते हो, एंड तक देख के बहुत नॉलेज मिला, कीप इट अप। तो भाई आपको वेरी 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 एंड वेरी थैंक, दिल से वेरी थैंक। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है अंशुल YT गेमिंग, भाई डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक को कैसे डालें। तो सिंपल सा बात है, आप अपना प्रोफाइल का लिंक को कॉपी करो, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके सिंपली से आप पेस्ट कर दो। YT स्टूडियो में जाके आप डिस्क्रिप्शन में आप लोग सिंपली से पेस्ट कर दो इंस्टाग्राम लिख के। तो सिंपली से आप वैसे करके आप अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक को डाल सकते हो, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है BK लॉजिक की ओर से आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आपका मोटिवेशनल कौन है? अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा जो मोटिवेशनल है वो कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं जिसको देखकर YouTube में आया हूँ, मैं जिसको देखकर अभी तक YouTube में डटा हुआ हूँ, मैं अपना जिसको देखकर अपना काम को थोड़ा सा धीरे धीरे सुधार रहा हूँ, मैं जिसको देखकर YouTube में अभी मतलब काम कर रहा हूँ, तो उसका नाम है दोस्तों मनोज दे। दोस्तों मनोज दे को देख के मैं अपना YouTube चैनल को क्रिएट किया था और आज मैं YouTube में वीडियो अपलोड करता हूँ और धीरे धीरे मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा है। मेरा जो मोटिवेशनल है वो है मनोज दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया राहुल म्यूजिक बिहार की ओर से। तो यहाँ पे बोल रहा भाई तुम्हारा घर कहाँ है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा जो घर है वो है धनबाद झारखंड में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एस टेक की ओर से, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच किया, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन। तो भाई थैंक यू, दिल से थैंक्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सचिन पाल की ओर से आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई डेली वीडियो अपलोड करो प्लीज भाई। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर डे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर पर डे नहीं होता तो मैं 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि स्कूल, आप लोग जैसे कि पता होगा स्कूल भी खुल चुका है, इसी के साथ थोड़ा सा घर का भी काम करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है, इसी के साथ YouTube में वीडियो भी बनाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि पर डे वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन 2 दिन में एक वीडियो मैं अपलोड कर ही देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं आगे से सोचूंगा आगे से थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं पर डे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चलिए
तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोनू कुमार ने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है भाई आप वीडियो अपना सेटअप टूर दिखाओ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि मेरा सेटअप में ऐसा कोई भी दिखाने का चीज है, ठीक है। अगर आप लोग को सेटअप टूर का वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं सेटअप टूर का वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन अभी नहीं, जब मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक सेटअप टूर का वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों का सारा कुछ दिखा दूंगा कि मैं अपना वीडियो बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स का यूज करता हूँ। इसी के साथ मेरा जो सेटअप, सारा सेटअप का टूर भी करवा दूंगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उपेंद्र ज्ञान ने। तो यहाँ पे उपेंद्र ज्ञान भाई बोल रहे हैं कि ब्रो आपका कितने सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अभी अपना सब्सक्राइबर को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। और जब मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेरा चैनल पर आज 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और तब मैं आप लोग को एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। और जब मेरा 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सब्सक्राइबर को अनहाइड कर दूंगा, आप लोग के सामने रख दूंगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो मेरा कितना सब्सक्राइबर घट रहा बढ़ रहा सारा कुछ आप लोग के सामने रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मेरा अभी तक 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तब एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेरा चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। और जब मेरा 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तब सब्सक्राइबर को अनहाइड कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ये कुछ भी पूछा नहीं है भाई ने, बस एक बात बोला है, ठीक है। सबसे अपील है कि एक दूसरे की वीडियो देखना तो कम से कम 2 मिनट की वीडियो जरूर देखना, तब ही सभी का सपोर्ट होगा और हो सके तो पूरा भी देख लेना। कमेंट और लाइक से किसी का सपोर्ट होने वाला नहीं है, अच्छा लगे तो कमेंट को पिन कर देना। तो भाई ने बहुत अच्छा एक बात बोला है कि अगर आप लोग अगर चाहते हो कि किसी का भी सपोर्ट करना, ठीक है, तो आप लोग को उसका वीडियो में सिर्फ एक कमेंट और मतलब लाइक करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग को उसका वीडियो को कम से कम तो 2 मिनट तक तो देखना ही है और हो सके तो पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि यार उससे मतलब उस वीडियो का रीच मिलेगा और उस वीडियो का रीच धीरे धीरे रीच मिलते मिलते ज़्यादा लोग तक पहुँचेंगे और ज़्यादा लोग तक पहुँचेंगे तो उस वीडियो में अच्छा व्यू आएगा और व्यू आएगा तब सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो भाई ने बहुत एक अच्छा बात बोला है, इससे मैं भी सहमत हूँ कि आप अगर किसी का भी सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग को सिंपली उसका वीडियो को 2 मिनट तक तो कम से कम देखना ही है। 2 मिनट देखने के बाद एक लाइक करना, इसी के साथ उस वीडियो में कॉमेंट भी कर देना। आप अगर आप लोग को उस वीडियो में कोई भी फॉल्ट नजर आता है तो आप लोग फॉल्ट लिखना है, या फिर जो आप लोग को अच्छा लगा उस वीडियो में कुछ भी खराब लगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो ताकि वो बंदा उस वीडियो को मतलब कोई भी दिक्कत उस फॉल्ट को सुधार सके। चलिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन मैंने पिक किया था आप लोग का। अगर और भी कोई सवाल है तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, #AskTechnoBittu लगाकर आप लोग क्वेश्चन पूछना। मैं आप लोग का कोई भी नेक्स्ट एक Q&A वीडियो बनाऊंगा और उसमें एक आप लोग का सारा आंसर दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इसी के साथ नीचे एक कमेंट करना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज़ यार इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना। मेरा यूजर नाम है bittumodak.07 या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।